हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करेंगे। माता ने अपने मस्तक में चंद्रमा धारण किया हुआ है, जिसके कारण से उनकी सुंदरता और ज़्यादा निखर के आई है और वह बहुत ही ज़्यादा दीप्यमान और से बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हो रही हैं। और से माता का जो स्वरूप है बहुत ही प्रिय है, सौम्य है और बहुत ही सुंदर है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उनकी कौन सी ऐसी प्रिय चीज़ें हैं जिन्हें अर्पित करें, और जिन्हें अर्पित करने से माँ का जो एक विशेष स्नेह है वह हम सभी को प्राप्त होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें माँ को दूध या दूध से निर्मित मिठाइयाँ, मिष्ठान, इनका भोग लगाना चाहिए। और से जो उनका प्रिय फल है वह है अनार, और माता को जो फूल चढ़ाना है हमें वह है गुड़हल का लाल फूल या कि फिर कमल का गुलाबी फूल भी हम अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो माता हैं उनको सबसे जो प्रिय रंग है इसमें वह है सलेटी या ग्रे कलर का। तो सलेटी या ग्रे कलर के जो वस्त्र हैं उन्हें पहन करके हमें उनकी पूजा करनी है, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वो हमारे सभी कष्ट हर लेती हैं, सारे दुख दूर कर देती हैं। और फिर उनकी जब कृपा हम पे बरसने लगती है तो हमें अपने आप ही सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मिलने लगती हैं। और माता इतना देती हैं, इतना देती हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी कि नवरात्रि के तीसरे दिन हमें माँ को क्या अर्पित करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी आंखें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें मेरे हृदय से सत सत नमन और बारंबार हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखिए और मुझे हिम्मत दीजिए। और अब आगे की जो वीडियो है यानी कि चौथे दिन की, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी जानकारी उसकी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।